बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम बरकत के साथ हाज़िर हैं आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मटन की चांप है मेरे पास और इनको मैंने 10 मिनट तक सिर्फ इसको सीटी लगवानी है और हम इसको मसाले में भुनेंगे। बहुत ही मज़ेदार की सिंपल सी रेसिपी को वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। पानी बॉयल हो गया है, 1 से 2 ओवर मैंने उसमें फेंक दिया, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है। तो शामिल करेंगे बकाया वाली चांप्स भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 3 किलो के करीब ये चांप्स होंगी और चांप्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं, हमने बड़ा रखवाया हुआ है। मटन की चांप्स हैं ये और सिर्फ 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। हमने इसकी यखनी नहीं निकालनी और 10 मिनट तक हमने बस इसको सीटी लगवानी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बिल्कुल गल गया है और अब हम इसको मसाले में इसको भुनेंगे। तो कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और जो इसमें चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको बता। 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज है जो मैंने अभी साइज में कटिंग कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। टमाटर, हमने 2 टमाटर लिए थे जिनको मैंने क्रश कर लिया हुआ है, पेस्ट बना लिया इसका। और 4 से 5 हरी मिर्चें थी और दही जो इसमें शामिल होगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम प्याज, इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है। साथ ही इसके डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी भुनाई टमाटर और प्याज की, सॉरी दही की ग्रेवी में करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन भी कुछ सॉफ्ट हो गए हैं और करेंगे इसमें हम शामिल सबसे पहले दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही हमारा फ्रेश था और इसीलिए हमने सबसे पहले इसको ही डाला है। अब डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो स्पाइसी इसमें शामिल होंगे, कोरमा मसाला है, ज़ीरा सूखा धनिया है, सुरख मिर्च है और हल्दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो शामिल करेंगे और इसको करते हैं अच्छे से मसाले को कुक। और 5 से 10 मिनट तक हमने इसे अच्छे से बनाई करनी है। वो खाने की बनाई है अच्छे से हो गई है और करेंगे अब हम इसमें चांप्स। सारी चांप्स इसमें शामिल मसाले में करनी है और आधा कप इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला और गोश्त है वो जो अच्छे से स्पाइसी जिसमें सब मिक्स हो जाए। हमने सिर्फ इसको मसाले में अच्छी तरह भूनना है और हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया हुआ है। 5 मिनट तक हम इसको अभी मज़ीद कुक करते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें सूखी मेथी और हरी मिर्च। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन चाप कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और अच्छे से हमने इसको भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। डालेंगे मज़ीद मज़ेदार करने के लिए सूखी मेथी इसके ऊपर और करते हैं इसको एक प्लेट में सर्व। रेडी है आज की मटन चांप कढ़ाई जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है आज की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मैं अपनी शेयर करूंगी मैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।